हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेटे। इस वीडियो में हम 16 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। देखो, जो फ्रंट पेज पे जो आर्टिकल्स हैं, बेसिकली आज मुझे थोड़े से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा। देखो, ये जो आर्टिकल है हमारा, पहला वाला जो आर्टिकल है वो अभी जो जम्मू कश्मीर के जो 5 times चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनको जो है यहाँ पे डिटेंशन से निकाला, तो वो उनके ऊपर है, तो वो अपन को पढ़ना है नहीं। व्हेन एवरी लाइन द बुक इज़ वॉयलेटेड, ये आर्टिकल है बेसिकली दिल्ली दंगों के ऊपर, कि बच्चों की मानसिकता पर किस तरीके से असर पड़ेगा, किस तरीके से जो है टीचर्स उनको सिखाएंगे जब उन्होंने दंगे देखे। तो अच्छा आर्टिकल, आप यूँ चाहे तो यूँ पढ़ सकते हैं, बाकी जो है कंट्रोवर्शियल जो दिल्ली दंगे हुए उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर हम पढ़ेंगे नहीं। ये भी पॉलिटिक्स के ऊपर है, और ये जो है नीडलेस अपील, ये बेसिकली हुआ क्या हाल ही में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में जो जिन्होंने दंगे किए थे सीए के ऊपर, जो प्रोटेस्ट किए थे, उनके पोस्टर्स, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर जो है सड़क पर लगा दिए थे। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को सुमोटो, यानी खुद से ही बिना किसी ने अपील नहीं की, कोर्ट के पास पावर होती है, सुमोटो ने केस लिया और यहाँ पे जुडिक्शन दी कि भैया ये तो राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हो आप। जो आपके के एस कुत्ता स्वामी का जजमेंट आया था 9 judge बेंच का, कि राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 में है, उसका तो वॉयलेट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे जो भी जो पोस्टर्स है उनको रिमूव करने के लिए कहा गया, जो होर्डिंग वगैरह है, और न्यूज़ इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट आया उसके खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है वो बेसिकली लार्जर बेंच को कर दिया रेफर, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस कानून को के तहत ये जो है ऐसे प्रोटेस्टर्स की फोटो लगा रही है। तो इस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे लोगों का भरोसा जो है उठ चुका है, ऐसे टाइम पे अगर इस तरीके की जजमेंट्स आती हैं तो मुझे लगता है कि जो लोगों का भरोसा है वो जुडिशरी में लौट आएगा, कि जुडिशरी कम से कम जजमेंट तो दे रही है, केस को डिले तो नहीं कर रही। रिफॉर्मिंग पावर टू सर्व पीपल, ये 100% अपने लिए है, और डैम ऑफ कंटेंशन इन अफ्रीका, ये भी अपने लिए है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये बेसिकली क्या है, आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी जो खेल चला पावर कैप्चर करने का, तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी पहली कि ऐसा क्यों हो रहा है। आंसर सिंपल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्राइमरी गोल होता है पावर कैप्चर करने का, और दे यूज़ ऑल द मींस एट देयर डिस्पोजल टू ऑब्टेन पावर, और जितना कर सकती हैं उतना संसाधन रिसोर्सेज लगा देती हैं पावर को कैप्चर करने में। पावर से क्या आता है? पैसा, प्रिविलेज, ट्रेजरी का कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019-20 का बजट 27 lakh crore रुपए का था, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पावर आई, मनी आई, ठीक है। अब हाँ, ये मनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में, वो बेसिकली जनता ये मानती है कि वो गुड गवर्नेंस डिलीवर करेंगी, पब्लिक को सर्व करेगी, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो खुद में ही एक एंड बन जाती है, वो पावर में लिपटे रह जाते हैं। द फैक्ट दैट मोर एंड मोर फ्रीबीज आर बीइंग प्रोवाइडेड नाउडेज, अब जिस तरीके से मुफ्त में चीज़ें आ रही हैं आज क्लियरली ये दिखाई देती है कि पब्लिक फंड का जो है वो इस तरीके से यूज किया जा रहा है ताकि वोटों को जो है बटोर सकें। और अगर हम देखें जिस तरीके से और भी तरीके से जो पावर गेम चल रहा है इंडिया में, दिल्ली में हेट स्पीचेज जो हैं किन्हीं किसी पार्टी के किन्हीं लीडर्स ने जो है डिलीवर की, फिर भी जो है वो पार्टी नहीं आई पावर में, ये इशू नहीं है। दूसरे स्टेट हो सकता है एक में जो है हेट स्पीच काम नहीं, दूसरे स्टेट में जो है ये टैक्टिक वर्क कर जाए। तो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जिस तरीके से क्वालिटी ऑफ कैंपेन्स गिर रहे हैं, तो दो फैक्टर हैं यहाँ पे जो कि मुझे नहीं लगता कि देखो क्वालिटी ऑफ कैंपेन्स गिर रहे हैं, जहाँ तक सुधार भी है। ये राइटर से मैं थोड़ा अलग जाना चाहूँगा कि दिल्ली जो है चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से सरकार ने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करके चले, और तो एक तरफ से ऐसे कह जाना कि क्वालिटी ऑफ कैंपेन्स खराब हुए थे, नहीं, एक पार्टी के कैंपेन खराब हो सकते हैं, कोई हेट स्पीच जहाँ से आए उस पार्टी के कैंपेन खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंपेन्स पूरी तरीके से क्वालिटी खराब हो गया। फिर भी हम राइटर की बात को मान के चलते हैं कि ओवरऑल ऐसा हुआ है, हेट स्पीचेस तो आई हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो दो कारण है, एक तो पहला तो ये क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, भैया लोकसभा में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 43% का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दो हजार 2014 में 23% थे, आज 43% हो गए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे लोगों को टिकट देती है, क्यों? क्योंकि भैया पावर है तो पैसा है, पैसा है तो चुनाव जीतेंगे, भाई पावर है तो चुनाव जीतेंगे ना। पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से कितना पैसा खर्च कर देगी, अब चाहे उसके क्रिमिनल चार्ज लग रहा हो, चाहे उसने कोई गुनाह किया हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे वो है सोशल मीडिया का, जिस तरीके से फेक न्यूज़ में यूज़ हो रहा है, रिव्यूज, फेक वीडियोज, फेक न्यूज़ अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ, अपोजिशन पार्टीज़ भी जो हैं ये कर रही हैं और लोग खुद नहीं संभाल रहे, फेक न्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं। और मनी ऑल्सो फ्यूल्स मच ऑफ वाट वी शूडेड, पैसा ही है जो आज जो ये सब कुछ कर रहा है। भाई कर्नाटका में आपने देखा होगा जो खेल चला था डिफेक्शन का, मध्य प्रदेश में अभी खेल चल रहा है, ये सब डिफेक्शन का है, जब MLAs निकल के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और हमारे 10 शेड्यूल में जो डिफेक्शन लॉ है उसमें जो है उसकी जो कमी आए निकाल के ये पूरा कर रहे हैं, उनके जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। MLAs को दूर दूर रिसोर्ट्स में लेके जाना, ये तो बहुत ही नया प्रचलन चला है, अलग ही है। कौन जीतता है, कौन चुनाव लड़ता है ये नहीं है, किसके पास पैसा है, किसके पास जो है यहाँ पे एबिलिटी है कि वो डिफेक्शंस को इंजीनियर कर सके, यानी कौन ऐसा लीडर है जो अपनी तरफ MLA खींच सके, ये सब पावर, ये हमेशा से पावर में आते हैं। तो दो फैक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन यूज ऑफ मनी, ठीक है। तो हम दो कारणों पर गए, एक तो हम गए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा पैसे का सोशल मीडिया का जो खेल है, तीसरा है मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ मनी। अब मनी के अंदर भी दो कारण है, पहला तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी बिना अपना नाम बताए SBI में जाके किसी भी, हाँ SBI ऑथोराइज्ड है तो वो बॉन्ड जाके जो है सरकार को दे सकती है, डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड आए तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही खत्म होगी। दूसरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पावर में है वो कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनका पूरा हाथ है, अब वो चाहे तो फेक न्यूज़ को रोक भी सकती हैं, वो चाहे तो दंगे होने से भी रोक सकती हैं, अगर नहीं रोक पा रही तो इसका मतलब क्या है कि जो है फुल अफोर्ड्स नहीं दे रही। भाई कोई भी अगर कंपनी कोई स्कैम होता है तो उसको तो फटाफट ट्रेस कर लिया जाता है, लेकिन ऐसे जो डिफेक्शन निकल के आते हैं जिसमें MLA को पैसे बांटे जाते हैं, करोड़ों रुपये अरबों रुपये के नाम आते हैं, उनमें कोई भी जो है यहाँ पर ट्रेसिंग नहीं होती। तो गुड गवर्नेंस में क्या चाहिए, डेमोक्रेसी। आज कोई भी वो पार्टी नहीं है जो कि इंटरनली डेमोक्रेटिक है, वो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई उनमें जो है 2-3 जने 5-6 जने राज करके चल रहे हैं। फाइनेंस को इस तरीके से रेज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि पता नहीं चलता कहाँ से पैसा आ रहा है। और नए नए जब लोग अभी इलेक्शन के लिए लड़ेंगे तो उनके लिए स्थिति ऐसी है कि वो जो पावर कैप्चर करने के लिए बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के पैसा ले सकते हैं, उनको पैसा बतानी पड़ेगा कहाँ जो है वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा। मसल और मनी है जो आज इलेक्शंस को काफ़ी जीतने के लिए पॉसिबल बना रही है। तो पार्टीज जो हैं बेसिकली, और वो कोशिश करती हैं कि गुड गवर्नेंस पे अगर वो काम कर रहे हैं तो वो मिक्स्ड रिजल्ट दिखाते हैं, उनका जीतने का चांस फिक्स नहीं होता जो कि अच्छे काम करते हैं। तो प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, कि प्रॉब्लम की रूट कॉज पे अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो वो ये है कि पॉलिटिकल पावर का जो गोल है वो बेसिकली ये है आज के टाइम पे कि ना ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना जवाबदेही है, ना पारदर्शिता है, ना हम उसके आस पार दे सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है ना, और पैसा आप भी मान लो पता चल गया पैसा जो है यहाँ से आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन जवाब देने को तैयार है। तो रेमेडी सॉल्यूशंस पे आए, इससे पहले हम जो है इसका परिणाम देख लेते हैं कि ऐसे सिस्टम जो मैंने आपको बताए जिसमें क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ बढ़ रही है, मिसयूज ऑफ मनी बढ़ रही है, और यहाँ पे मसल और मनी का जो यूज़ हो रहा है, कोई पार्टी इंटरनली डेमोक्रेटिक नहीं है, फेक हेट स्पीच का जो यूज हो रहा है, ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि आज जो सेंट्रल और स्टेट है वो सब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में है। सेंट्रल बजट जो है वो बेसिकली आप देखो, एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सेंट्रल बजट जो है डेफिसिट में, 25% जो है ब्याज का पैसा हमारा जो है सेंट्रल बजट का जो है 25% पैसा हमको ब्याज चुकाने में जाता है, डेफिसिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कोशिश की इसको नीचे लाए लेकिन टारगेट मीट नहीं कर पाई। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज उनमें से एक है। GDP का 7.5% था 2019 में। स्टेट फाइनेंस की बात ही मत करो, राज्यों में जो फाइनेंसेज हैं उनकी तो हालत ही खराब है, बहुत सारा पैसा सैलरीज पेंशन चुकाने में चल जाता है उनका। तो फाइनेंशियल सेक्टर की हालत ऐसे भी खराब है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, LFIs की। अब ये कारण क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ें कैसे हो सकती है पॉलिटिक्स अगर खराब है तो? देखो पॉलिटिक्स अगर खराब है जहाँ पे बॉन्ड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फाइनेंस जो इंडस्ट्री, जो हमारी फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो हमारी बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कम कर देंगे, जब वो खुद के मनी का जो है वो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कैसे जो है वो करेंगे। तो पब्लिक मनी का जो रिस्क है वो चला, पब्लिक मनी बहुत रिस्क में है क्योंकि वो कहीं भी खर्च की जा सकती है, क्योंकि आप इलेक्शन फंड, आप ये देखो कि इलेक्शन फंड
और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कोई लिंक है क्या भाई? एनपीए बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा आता जा रहा है, लोगों को यहाँ पे लोन नहीं मिल रहा, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जो है लिंक है मुझे समझ में नहीं आ रहा राइटर क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक लिंक जो है देख सकते हैं, मुझे तो लिंक कोई नजर आ नहीं रहा। हाँ, ये हो सकता है कि अब देखो ऐसा नहीं है कि एनपीए जो है बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो है इसके पॉलिटिकल पार्टीज चंदा उठा रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज स्कैम कर रही हैं। हो सकता है जेन्युइन जो है डोनेशन लोग दे रहे हो, लेकिन फिर भी ऑडिट करना जरूरी है। कई सारी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी, करप्शन, फियर, इनसिक्योरिटी, पुअर गवर्नेंस। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहली बात तो देखो ये सोल्यूशन दिमाग में बैठा लो, ये जो है महात्मा गांधी का ये कोट हमेशा याद रखना, जब भी डेमोक्रेसी की बात है, जब भी जो है किसी भी माइनॉरिटी की, ये जो कोट आप कहीं भी डाल सकते हो, मोस्टली हर आंसर में सूट करेगा। पब्लिक सर्विस की बात हो, पावर की बात हो, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की बात हो, कि डेमोक्रेसी इज एन इम्पॉसिबल थिंग अंटिल पावर इज शेयर्ड बाय ऑल, इवन लेबरर हु मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू अर्न योर लिविंग विल हैव दिस शेयर इन सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, कहीं भी आप कभी भी कोट पढ़ो कोई किसी भी लीडर का, तो ये देखो कि क्या मैं इस कोट को किसी आंसर में डाल सकता हूँ। अगर वो लग रहा है कि हाँ ये कोट जो है पॉवर्टी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कहीं भी जो है जा सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, किसी भी चीज़ में, तो उस कोट को नोट कर लो या उसको याद कर लो या फिर फोन में जो है लिख लो, क्योंकि जरूरी है कोट लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आंसर आपका दिखेगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं डेमोक्रेसी एक असंभव चीज है जब तक पावर सबके पास नहीं आ जाती। सबके पास मतलब एक मजदूर जो कि दिन दिहाड़े जो है दिन में भी इतना काम करता है एक दो वक्त की रोटी के लिए, उसको भी जो है उसका भी शेयर हो सेल्फ गवर्नमेंट में। तो एक कोड डाल दो, फिर सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी हो, पॉलिटिशियन जो है वो आंसरेबल रहें, हालांकि ये गोल जो है काफ़ी दूर है, ये कब अचीव होएगा पता नहीं। डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज लिखना और जो है डायग्राम में एक तरफ लिखना डेमोक्रेटिक, एक तरफ लिखना अकाउंटेबल, एक तरफ लिखना ट्रांसपेरेंट। और जो आप सॉल्यूशन कर सकते हो यहाँ पे कि जो पॉलिटिशियंस हैं रूलिंग पार्टी में जिनके खिलाफ जो है केसेस चल रहे हैं वो अरेस्ट होते नहीं है, और हो भी जाते हैं तो केसेस जो है विड्रॉन हो जाते हैं, तो कोई एक्शन उन पे टेक नहीं लिया जाता। तो एक सॉल्यूशन मैं आपको मेरी तरफ से बता रहा हूं कि जब भी क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की बात आए, या फिर इस सॉल्यूशन में आप ये डाल सकते हैं कि जो स्पेशल कोर्ट्स जो है वो जो भी केसेस क्रिमिनल केसेस किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट चल रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है लगाई जाए ताकि वो केसेस का फटाफट निपटारा होए, ठीक है? तो स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। और पुलिस रिफॉर्म हमको चाहिए, बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म हमको चाहिए आज के टाइम पे जब दंगे बढ़ रहे हैं और क्रिमिनल हारमनी जो डिसरप्ट हो रही है, फेक न्यूज़ बढ़ रही है। पुलिस रिफॉर्म्स हमको ना केवल जो है यहाँ पे केवल उनको दंगे कंट्रोल करने के लिए, बल्कि जो फेक न्यूज़ उनको कंट्रोल करने के लिए भी जो हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मनी पावर का जिस तरीके से यूज बढ़ रहा है, तो एक हमेशा जब भी एमएलए डिफेक्शन करे, कभी कोई एमएलए डीसी पार्टी छोड़ के जाए, तो पार्टी जब भी छोड़े एक तो इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ऑडिट हो कि कितना पैसा उसको मिला और कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे चीज़ें गई, क्योंकि एक कोर्ट है ना, एक जो है मुहावरा है फॉलो द मनी, मनी कहाँ जा रही है वो देखो, यही चीज़ है जो डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस ला सकती है, फिर पता चल जाएगा कितनी पॉलिटिकल पार्टी इतना पैसा जो है खर्च कर रही है। अगला जो सोल्यूशन, अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक जो है ये आपको डायग्राम बना के आ रहा है, लेकिन आपको ये सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जो सिस्टम में वो रिफॉर्म करना नहीं चाहते, सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए वो सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करना चाहते। वोटर्स जो है वो धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के प्रति चिंतित हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम में केवल वोटिंग के जरिए चेंज ला सकें। हर 5 साल में आप वोट देने जाएंगे तो उससे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो आप अवेयर रहिए, अवेयर नहीं है, सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन जिनाइन सवाल पूछिए और फेक न्यूज ना मत फैलाइए, सौहार्द बनाए रखें। ये देश भारत आपका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, शांति बनाए रखें और यहाँ पे चीज़ें जो हैं बुरी ना हो, इससे पहले जो है यहाँ पे सब कुछ सही करना पड़ेगा, वरना जो है चीज़ें और बुरी हो जाएंगी, बेटर तो होंगे नहीं, है ना, ये वाली बात है। अ डैम ऑफ कंटेंशन इन अफ्रीका, देखो जर्ड डैम की यहाँ पे बात हो रही है, ग्रैंड इथोपियन रेसोनेंस डैम, इसके बारे डैम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जर्ड जो डैम है ये बेसिकली ग्रैंड जो रेसोनेंस जो डैम है ये आप देखोगे तो ये इथोपिया के अंदर है, ठीक है? इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदीस अबाबा। और जो नाइल रिवर है जो साउथ अफ्रीका की, उसकी जो ट्रिब्यूटरी ब्लू नाइल रिवर है जो इथोपिया में आती है, वहाँ पे ये डैम बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेट ग्रैंड जो रेनेस डैम है ये इथोपिया के यहाँ पे बन रहा है, कोने में, बाउंड्री में, ठीक है? अब बेसिकली दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो पानी इतना ज़्यादा खींचेगा ये डैम, रोक के रखेगा, इससे जो है बाकी स्टेट्स को दिक्कत हो रही है, खास करके इजिप्ट को, इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है निकल के आ रही है। हम एक बार मैप पे देखेंगे अच्छे से पूरा इसका मैप, देखो यहाँ पे ये जो है आपका ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, दिख रहा है?
क्योंकि ये गेंडे के सीन के जैसा है, राइनोसोरस के सींग के जैसा है, हॉर्न के जैसा है, इस वजह से जो है इसको बोला जाता है। अब देखो इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो यूथोपिया यहाँ पे ये डैम बन रहा है, देखो ये नाइल रिवर है, ठीक है, ये 11 कंट्री से गुजरती है, 6650 किलोमीटर की है, आप ये देख सकते हैं। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मेन मेन आप जो ग्रेट हॉर्न वाला जो मैंने आपको दिखाया मैप, उसकी कंट्रीज आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।